दोस्तों, क्या आप इस दुनिया के सबसे विशालकाय सांप का नाम बता सकते हैं? चलिए हम आपको हिंट दे देते हैं। इस सांप के नाम पर एक बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम एनाकोंडा की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम सबसे बड़े क्रोकोडाइल कैसल्स की बात करें तो इस पर भी एक हॉरर मूवी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, एक समय में क्रोनोसोरस और टाइटनोबोआ जैसे विशालकाय क्रिएचर्स भी मौजूद थे, जिनके सामने अभी के जायंट क्रिएचर्स वैसे ही लगते हैं जैसे द ग्रेट खली के सामने राजपाल यादव लगते हैं। बाकी का अंतर तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितने खतरनाक होंगे। ऐसे में दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर इस तरह के विशालकाय क्रिएचर्स अभी भी जिंदा होते तो क्या हम सभी का अंत हो जाता, या फिर कहानी कुछ और होती? अब अगर आपको इस बात की तह तक जाना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वाकई में अंत में आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हम समय में पीछे जाएं, उससे पहले हमें अपने कैरेक्टर्स के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं टाइटनोबोआ से, जहाँ ये सांप आज से 58 मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहा करता था, और वैज्ञानिकों के अनुसार 10 मिलियन सालों तक ये हमारे प्लेनेट का सबसे लार्जेस्ट प्रेडेटर था, जहाँ इसकी लंबाई 13 मीटर और वजन 1 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये सांप कितना ज्यादा विशालकाय होगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें कि जब आप 2 जिराफ को लिटाकर इनकी लंबाई नापेंगे ना, तो भी इस विशालकाय सांप की लेंथ उससे ज्यादा ही होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस समय सबसे लार्जेस्ट स्नेक इस एंशियंट रेप्टाइल टाइटनोबोआ से आधे साइज का होगा, जहां ये सांप बड़ी आसानी से एक बड़ा सा हिप्पोपोटामस निगल सकता है। वैसे तो पहले के समय में हिप्पोपोटामस हुआ नहीं करते थे, वरना तो उनकी आधी जनसंख्या ये सांप ही कम कर देते, जहाँ ये मॉन्स्टर अधिकतर जंगलों और पानी में रहा करते थे, जिसकी वजह से ये अकेले मछलियों को ही नहीं बल्कि विशालकाय मगरमच्छ तक को खाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते थे। ऐसे में दोस्तों, विशालकाय सांप अधिकतर अपने शिकार को पहले पूरी तरह से जकड़ लेते थे और फिर अपने शिकार को जकड़ने के बाद उन्हें निगल जाते थे। अब आप इन सब चीजों से समझ गए होंगे कि टाइटनोबोआ कितना खतरनाक सांप था। पर दोस्तों, अगर हम क्रोनोसोरस की बात करें तो भले ही इनका साइज ज्यादा नहीं हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये टाइटनोबोआ से कम खतरनाक है। जायंट के खुले हुए मुंह को देखकर आप समझ सकते हैं कि इनके मुंह में मौजूद इतनी भारी संख्या में खतरनाक दांत किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते होंगे। वैसे अगर इनके साइज की बात करें तो इनका साइज ऑर्का से काफी हद तक मिलता है, जिन्हें लोग किलर व्हेल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में आपको और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए हम आपको बता दें कि इनका साइज करीब 10 मीटर तक होता है, और वजन में तो ये टाइटनोबोआ के भी बाप है, क्योंकि इनका वजन 12 टन तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ये प्रेडेटर बहुत ही ज्यादा शानदार स्विमर होते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह के दूसरे प्रेडेटर्स को समुद्र की गहराई में जाकर मारने में भी पूरी तरह से सक्षम है, जहाँ इनका एक बार किसी को भी अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि इनका सामना कभी टाइटनोबोआ से नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पीरियड में रहा करते थे, जहाँ क्रोनोसोरस आज से करीब 150 से लेकर 100 मिलियन सालों के बीच इस धरती पर पाए जाते थे, और इनका क्लाइमेटिक पीरियड भी काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि क्रोनोसोरस बहुत ही ठंडे समय में इस धरती पर रहा करते थे जब बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ती थी। वहीं टाइटनोबोआ को हॉट क्लाइमेट काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन फिर भी इन दोनों क्रिएचर्स ने किसी भी दूसरे क्रिएचर को खौफ से भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में दोस्तों, चलिए देखते हैं अगर ये दोनों क्रिएचर्स अभी जीवित होते तो इस समय धरती का माहौल किस प्रकार का होता, क्या ये इस समय भी हमारे साथ खुशी खुशी रह पाते, या फिर हमारे लिए विनाश का कारण बनते। ये सवाल वाकई में काफी पेचीदा है, क्योंकि टाइटनोबोआ अगर अभी जिंदा होता तो इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स में रहते। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, टाइटनोबोआ को कोलंबिया का गर्म क्लाइमेट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, हालांकि उसकी नेबरिंग कंट्रीज जैसे ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर में भी उनका कब्जा होता। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंसानों को अपने घर इतने विशालकाय सांपों से बचाकर रखने पड़ते, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि ये सांप कभी भी कैसे भी करके चुपके से घर में घुस जाए, जहां इसे दरवाजा खटखटाने से लेकर उन्हें तोड़ने तक की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि सांप किस तरह से घरों में घुस जाते हैं ये तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो बस एक बार एकता कपूर के नागिन सीरियल पर नजर डाल लेना, आपको सांपों के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो खुद सांपों को भी नहीं पता। खैर दोस्तों, टीवी सीरियल्स की बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन हम आपको बता दें, इन सांपों से बचने के लिए लोगों को अपने घरों के बाहर हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले तार लगाने पड़ेंगे, और हर समय अपनी तकिया के नीचे स्टनगन भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कब इनकी जरूरत पड़ जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा।
पर दोस्तों अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करें तो हमें नहीं लगता कि टाइटेनो बुआ को हम इंसानों को खाने में कोई इंटरेस्ट होगा, क्योंकि फिल्मों में आपको भले ही ये दिखाया जाता हो कि विशालकाय सांप इंसानों को बड़े मजे से अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल ऐसी नहीं है। क्योंकि असल में सांप हम इंसानों से जितना बन पड़े उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें हमसे खतरा ना दिखे तो वो कभी भी हम पर हमला नहीं करेंगे। वैसे इस कहानी का एक पहलू ये भी हो सकता है कि हम इंसान टाइटेनो बुआ को भी बाकी खतरनाक प्रेडेटर्स की तरह जू में बंद करके उन्हें देखने जाएं। दोस्तों एक बात तो तय है, जो इंसान इस बड़े से सांप को पकड़ लेगा वो वाकई में एक नेशनल हीरो बन जाएगा, क्योंकि इतने बड़े सांप को काबू करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जब हम इन विशालकाय सांपों को अपनी पृथ्वी में रखने की बात कर ही रहे हैं तो इनके डाइट का भी ख्याल रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये प्रेडेटर अभी जिंदा होते तो इनका खाना एलिगेटर, टर्टल, रिवर डॉल्फिन के साथ साथ जमीन में मौजूद कई तरह के एनिमल्स होते हैं। ऐसे में दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि गर्म इलाकों में रहने वाले जानवरों को कितनी ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ जाती। जहाँ टाइटेनो बोआ को मछली खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मछलियाँ इस सांप को काफी ज्यादा पसंद है, और इन सभी वजहों से फूड चेन काफी ज्यादा उथल पुथल हो जाता, यहाँ तक कि कई सारे जानवरों को सुरक्षित जगहों पर जाकर रहना पड़ता। और जब ऐसा होता तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और फंगी उन्हीं जंगलों में रह जाते, जिन्हें खाने वाले सभी शिकारी जानवर तो अपनी जान बचाकर वहां से निकल चुके होते। ऐसे में वो वहां के पेड़ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करना शुरू कर देते, और आने वाले समय में कोई भी पेड़ पौधा जल्दी दिखाई नहीं देता। ये तो हुई जमीन पर रहने वाले जानवरों की बात, क्योंकि ये विशालकाय क्रिएचर्स मरीन क्रिएचर को भी नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो बेहद खतरनाक शार्क ही क्यों ना हो। हाँ, माना कि इनके लिए शार्क को एक बार में खाना काफी मुश्किल था, लेकिन अगर अलग अलग टुकड़ों में करके इन्हें खाया जाता तो हमें नहीं लगता कि इन्हें शार्क को खाने में ज्यादा देर लगती। और जहाँ हम इकोसिस्टम की बर्बादी की बात कर रहे थे तो वो चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने रास्ते में आने वाले हर एक क्रिएचर को अपना भोजन बना लेते, जिसकी वजह से मछलियों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती और बाकी प्रेडेटर्स को तो हो सकता है भूखा ही मरना पड़ता। ऐसे में दोस्तों वेल भी इनका शिकार बनने से न बच पाती, और जब वेल की कमी होने लगती तो वातावरण में खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड फैलने लगता, जो कितनी बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाता है ये तो हम सभी देख ही सकते हैं। और आप टूरिज्म और सी ट्रैफिक का तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि चाहे टाइटेनो बुआ हो या फिर क्रोनोसोरस, इसकी वजह से इंसानों का घर से बाहर निकलने में डर लगता है। हालांकि अभी भी कई ऐसे प्रेडेटर्स हैं जो न सिर्फ विशालकाय हैं बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक भी हैं, लेकिन बस बात सिर्फ इतनी है कि उनका हमसे और हमारा उनसे नाता बहुत कम होता है, इसी वजह से हम अपनी दुनिया में खुश हैं और वो अपनी दुनिया में। पर जब टाइटेनो बुआ और क्रोनोसोरस जैसे विशालकाय प्रेडेटर्स धरती पर होते तो जो बाकी के प्रेडेटर्स थे जंगलों और पानी से दूर हट जाते हैं। ऐसे में उनका ठिकाना हम इंसानों के इर्द गिर्द ही घुमा करता, जिसकी वजह से हमें हमेशा उनसे बचकर ही रहना पड़ता, जो कि एक बहुत ज्यादा कठिन जिंदगी हो जाती। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि जितने भी जानवर अब इस दुनिया में नहीं रहे उनका यहाँ से जाने का कोई ना कोई कारण है, और अगर वो यहाँ से ना जाते तो हम इतना विकास भी नहीं कर पाते जितना इस समय हम इंसानों ने किया है। पर इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों टाइटेनो बुआ कम से कम 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रहते थे। ऐसे में अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तो वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसे में कहने में कोई गलत बात नहीं है कि आने वाले समय में ये विशालकाय सांप वापस से देखने को मिल जाए। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि खुद वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि अगर फेवरेबल कंडीशन हुई तो ये क्रिएचर भी धरती पर आ सकते हैं, जिनका अस्तित्व अभी नहीं है। ऑल टोटल हम आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको इतने विशालकाय जानवरों का कहर नहीं झेलना है तो ये बात समझ लीजिए कि आपको खुद के साथ साथ समाज को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो और हम एक स्वस्थ वातावरण में रहें, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ बाकी का इकोसिस्टम भी इसी तरह चलता रहे। वरना अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ आ गई तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस से हमारी जिंदगी में आए बदलावों ने वैसे भी लोगों का जीना हराम कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में अगर यूं ही हम नादान बनकर गलतियां करते रहे तो जो बड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिलेगा उसे झेल पाना शायद ही आपके बस की बात होगी। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।